भक्त नाला को फूल वर्षा करके और माला पहनाकर स्वागत किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख पा रहे हैं पीएम एफ न्यूज। इस समय कैमरी गांव के मसूर चौक, मेरे को पैसे का ऑफर आया जी, मोटा पैसा दे देंगे, ये ऑफर आया है, ले लो फिर। नहीं जी, मैं गांव की इज्जत को ठुकराऊंगा नहीं, उनको सिर पर रखूंगा। हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, ले भी सकता हूँ, और वो देने के लिए तैयार है, उनके पास पैसा है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जी, बिल्कुल नहीं करूँगा। बिहारी वाले चौक के अंदर हैं और हमारे साथ में जिला परिषद वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ रही अनीता देवी के जो ससुर हैं डॉक्टर लाला, जो कि खड़े हैं। और आज जो अनीता देवी को जो समर्थन गांव का जो नज़र आया, आपको हम दिखाएंगे, ये पूरे लोग यहां पे लोग बाग दिखाई दे रहे हैं, भारी समर्थन यहाँ पर मिला है। तो डॉक्टर लाला जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। जो आज मेरे को समर्थन दिया है, मैं उसका आभारी रहूँगा। तो डॉक्टर साहब, जो पहला प्रोग्राम है कैमरी वासियों की तरफ से आपका, और भी बहुत सारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, और कहीं से 5 और कैमरी से 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा कैमरी का जो समर्थन है वो कैसा मिल रहा है? कैमरी का बहुत, मैं तो मानता हूँ कि 100% समर्थन मेरे साथ है जी। और कैमरी से जो गाँव का आशीर्वाद रहा तो बाहर कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल 100% रहेगा मेरे साथ। और मैंने 33 साल गांव की सेवा की है, आज मैं गांव से मांग रहा हूं और गांव मेरे को दे भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और मीडिया के अंदर भी जो कवरेज चल रही है कि 3 ही लोग फाइट के अंदर है, आपका नाम ही नहीं आ रहा। ना तो मेरा आया है, ना मंगाली वाले का आया है, ना दूसरा भाई अपना है उसका आया है। वो 3 कैंडिडेट मानते हैं, जबकि गंगुआ में ही 5 कैंडिडेट है, तो वो 3 में क्या है? वो कोई मीडिया ही किसी तरह पैसे का खेल है, सही मेनली बात है पैसे का, पैसे से कुछ कुआ दो कुछ कर दो। कैंडिडेट तो 8 चुनाव लड़ रहे हैं, 8 कैंडिडेट है जी। जो अनीता देवी है वो चुनाव लड़ रही है, और निशान की बात करें तो क्या है? निशान सेव का निशान है जी, और पोलिंग मशीन जो है उसके अंदर पहला ही निशान है, ऊपर वाला, सबसे ऊपर। तो दोस्तों, ये कैमरी गांव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहारी वाले चौक की, जहां पे पूरा गांव एक साथ में उमड़ के आया, और अनीता देवी जो कि उम्मीदवार है, इनकी पुत्रवधु है, उसको सेबों से ही तोला जा रहा है। और दूसरी बात करें तो डॉक्टर साहब, जो ऑफर आने की बात आपके वक्तव्य में सुनी, किस तरह का ऑफर आ रहा है? मेरे को पैसे का ऑफर आया जी, मोटा पैसा दे देंगे, ये ऑफर आया है, ले लो फिर। नहीं जी, मैं गांव की इज्जत को ठुकराऊंगा नहीं, उनको सिर पर रखूंगा। हालांकि मैं गरीब आदमी हूँ, ले भी सकता हूँ, और वो देने के लिए तैयार है, उनके पास पैसा है, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जी, बिल्कुल नहीं करूँगा। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आपके वार्ड के वोटर भी देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहिए? मैं अपील करना चाहूँगा जी, जो मेरी सेवा 33 साल की है, उस हिसाब से मेरे को आशीर्वाद दे दिया जाए बस। तो दोस्तों, इस समय वार्ड जिला परिषद वार्ड 16 से जो अनीता देवी है उम्मीदवार है, वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, इतना जन समूह समर्थन देने के लिए कैमरी गांव का पहुंचा है यहाँ पे? मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आपने बहुत अच्छा समर्थन किया है मेरा। कि आप काम करना चाहती हैं? मैं काम करूँगी, जो हमारे गाँव की गलियाँ हैं वो भी पक्की करवाने का है, और जो नालियां हैं उनका भी सुधार करेंगे, डाणी डाणियों में जहाँ भी लाइट नहीं है उनका भी करेंगे, और जो भी लड़कियां हैं उनके लिए वो अलग से सुविधा करवाएंगे, यहाँ लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा नहीं है वो भी करवाऊंगी, और जो जो भी मेरे से बन पाएगा उसका अच्छा से करूँगा। तो अनीता जी, हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं, जो उम्मीदवार है, हम रूबरू भी करवाते हैं उम्मीदवार की, तो कितने पढ़े लिखे? मैंने MA की है हिंदी साहित्य से, MA करके है मैंने। तो दोस्तों, जैसे कि ग्राम पंचायत पढ़ी लिखी पंचायत बनने जा रही है, अनीता देवी हमारे साथ में है, MA एजुकेटेड है, हायर एजुकेटेड कैंडिडेट आपको मिलने जा रहा है, और चुनाव जो लड़ रहे हैं उनको लेकर के भी बातचीत जी। मेरे अंदर 5 गांव आते हैं, कैमरी, गंगवा, हरिकोट, मंगाली आकलन, मंगाली जारा, सभी गांव में मैं सारा काम अच्छे से, बहुत अच्छा से करवाऊंगी, सभी जगह घूम के देखूंगी, कोई भी दिक्कत है सभी गांव वालों की हमारी दिक्कत होगी। तो कुछ उम्मीदवार जो है एक गांव का होकर के रह जाते हैं,
करके रह जाते हैं, तो आपको जो पूरे वार्ड के अंदर समर्थन मिल रहा है तो कैसा? मैं सब मेरे सारे गांव में काम करवाऊंगी, मैं एक गांव की नहीं पूरे 500 गांव की करवाऊंगी। 500 गांव आपके वार्ड में आते हैं? हाँ, 500 गांव में लड़कियों के लिए भी, नालियों की बात हो, लाइट की बात हो, कोई भी बात हो, मैं पूरे गांव में 500 गांव में घूम कर देखूंगी, कोई भी दिक्कत होगी उनके बीच पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अनिल लोयल जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के और आज जो जन समूह यहाँ पे उमड़ के आया? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस कार्यक्रम को आप खुद ही देख रहे हैं तो गांव कैमरी में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, और हजारों की तादाद में आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी के आप खुद देख लीजिए। और बड़ी खुशी हुई, सुबह मैं डॉक्टर लाला के साथ गांव रिकोट में था, मंगाले में था, गंगवा में था, आप बिलीव नहीं करोगे इतना भारी समर्थन मिल रहा है। ये देखिए 36 बिरादरी ने 500 गाँव से एक तरफा माहौल बनाया हुआ है, बहुत ही खुशी हो रही है। तो दोस्तों, ये कंपटीशन होने जा रहा है जिला परिषद वार्ड 16 के अंदर, जो उम्मीदवार मीडिया के अंदर ये कह रहे थे कि तीन देवियों का ही कंपटीशन है, तो वहाँ पे अब कंपटीशन के अंदर एक ऐसा उम्मीदवार आ चुका है कैमरी गांव से, अनीता देवी भी फाइट के अंदर आ चुकी है, और इस गांव का जो जन समूह समर्थन जो देखने को मिल रहा है, इसमें हम अनीता देवी जो है मात देती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कैमरी गांव की, और भी आपको ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ से, नारायण सिंह।